कलियार ही खा लेते हैं यार। अबे बावले घर चल के खाते हैं ना। नहीं खाएंगे यार। मानना रही है तो घर पे खाते ना बैठ के। बैठ सारे, मुंह को लग रही है बहुत तेज भूख, अब ना रुको जा तो। अबे एक मिनट ये बता, तूने कितनी कचौड़े उड़ाए बावले? अरे मैंने पूरी 10 उड़ा दी कसम से। अबे अंदर की बात है कि मैंने भी 10 उड़ाई। सर लूटू भैया के कच्चे भूत ऐसे उड़ाता था सारे। तू बे लौंडो, हमारे आंगन बैठ क्या कर रहे हो बे? तुम्हारे आंगन में बैठ के घुइया उखाड़ रहे हैं। अबे अरे सेठ जी, वो है ना अपने बाबा चिरकिन, उनके आश्रम में भंडारा हुआ था और प्रसाद में कचौड़ियां बटी हैं, वही बैठ के खा रहे थे। कचौड़ी? कचौरी मेरा फेवरेट व्यंजन, कचौरी के सामने सारे व्यंजन फीके हैं वे, क्या बात है भैया, ये गलत बात है रही है। अरे बोलना भाभी जी, देखो ना क्या कर रहे हैं भैया, हम कचौरियां लेके आए थे, पता नहीं भैया कहां से बंदर की तरह कूदते हुए कचौरियां हमारे हाथ से छीन के खाने लग गए। शांत शांत, कहां काम मिला आप लोगन को ये कचौरी? भाभी जी वो ना बाबा चिरकिन के आश्रम में भंडारा हुआ था, वहीं से लूट के, मेरा मतलब है वहीं से ला रहे थे बाबू जी कचौरियां। मजा आ गया, आनंद आ गया, वाह। ये तो बहुत गलत बात है लड्डू के भैया, आपको ऐसे उनका कचौरी छीन कर ना ही खाना चाहिए। पगली तुम्हें पता है ना कचौरी हमारा फेवरेट व्यंजन है। वो तो हमको पता है, आप हमको बोल देते ना कि पगली बना दो हमारे लिए, हमको पता है कि आपको पसंद है इसलिए हर तीसरे दिन बनाते हैं कि ना ही आपके लिए। अच्छा एक काम करो, अभी कचौरी लौंडो के लिए बना के इन्हें खिला दो, ठीक है? फिलहाल हम तो यही खाएंगे। आप लोग हम का बोल रहे, तान से ना ही लीजिए, हम आप लोगन के लिए आलू का, मटर का, हर तरह का कचौरी बना देते हैं, और भी कछु खाएंगे। भाभी आप ना कचौरी के संग अगर हमें वो मटर पनीर भी खिला दोगे तो मजा आ जाओगे। और हाँ भाभी जी, वो बादाम का दूध ना एक एक गिलास मिल जाए तो हमारे गुर्दों को सुकून मिल जाएगा बाबू। उसके साथ साथ आपको बादाम का हलवा भी खिलाते हैं। अरे भाभी खुश रहिए, हाँ बनाते हैं, बैठिए। हाँ तो भूरी का है ना कि उस सारी मिर्चियों को जो है धोकर अच्छे से सुखा कर उसको छत पर रख दो दूठो दिन के लिए, ठीक बा? और फिर ना उसके बाद उन मिर्चियों में नींबू और नमक मिला देना। हाँ और हम तुमको बताए रहे ना वो अचार के मसाले का एसीपी, ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ हाँ भाई विधि विधि, हाँ तो जो हम विधि बताए रहे उसको मिर्ची में आधा काट कर डाल दो और उसके सुनो भूरी, हमको कॉल आ रहा है, दूसरा अम्मा जी का कॉल है, तुमको बाद में कॉल करते हैं। हाँ बाय बाय। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ जुग जुग जी, अमर बच्चे कैसन बा? हम ठीक बा अम्मा जी, उका है ना कि भूरी का काल आया रहा, उको मिर्ची का अचार बनाने का विधि चाहिए था। अच्छा अच्छा, कैसी है भूरी? है वो ठीक बा, आपको प्रणाम बोली है। हाँ वो भूरी का अम्मा का हम फोन लगाए रहे है। अरे भूरी का जन पति है वो दामाद जी, तो बहुत अच्छा, हम तो सुने है अब बहुत मेहनती है, है? सच्ची वो जीजा तो बहुत ही मेहनती है, देखिए ना वो तो फल फ्रूट का ठेला लगाते थे, अब खुद का हिसाब खोल लिए हैं। इतना मेहनती है कि 3 साल में 3 लड़का बच्चा कर लिए है, अरे एक तो हमरा ये बैल है आलसी कहीं का। अम्मा
जी, हमको सच में बहुत बहुत आमरस होता है आपके सामने। आमरस? अम्बारस बोलना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं, हमको बहुत शर्म आता है। नहीं नहीं हमरी बच्ची, तुमका शर्माने का क्या जरूरत है? शर्माना तो बैल को ना चाहिए। अच्छा सुनो सुनो। हाँ हाँ बोलिए ना। पंडित रामफल का फोन आया रहा, वो हमका बोले हैं कि अभी जो है संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त चल रहा है, तो तुमको कोशिश करना है, हैं? ठीक बा अम्मा जी, वैसे तो हम हमेशा ही कोशिश करते हैं, लेकिन आप बताइए ना। अरे लेकिन ये कोशिश तनिक अलग तरीके का है, समझी? देखो का है, तुमको का करना है, वो बैल को जो है 5 किलो वजन बढ़ाना है पहले, उसके बाद ही कोशिश करना है। दिया, 5 किलो वजन बढ़ाना है, लेकिन वो हम कैसे करेंगे? अरे उमे का बड़ी बात है, हैं? उका खीर पूड़ी रसगुल्ला घी तेल मक्खन ये सब ज्यादा ज्यादा खिलाओगे तो बहुत जल्दी 5 किलो वजन बढ़ जाएगा, उसके बाद हमको फोन लगाना। ठीक बा अम्मा जी। और सुनिए अम्मा जी, लेकिन अगर वो 5 किलो से कुछ ज्यादा हो गया तो? तो कोनो बात नहीं है, बस वजन जो है कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक बा अम्मा जी, हम शुरू कर देते हैं आज से ही, हाँ? फिर आपको बताते हैं। अपन नाम करे अम्मा जी। खुश रह। ये पंडित राम फल भी ना बैल का वजन बढ़ाने बोल दिया, हम का घटाने बोल दिया है। क्या हुआ? टिलुआ सुन ना यार, आज हमारे भविष्य में काली खोई बताना यार। हमेशा की तरह यार, हमारे सितारे गर्दिश में, हम दोनों का भविष्य अंधकार में यार। साला दूर दूर तक आशा की कोई किरण ही नजर ना आ रही है। है तेरी की। क्यों? बस अरे ऐसा क्या लिखा है इसमें? घुइया लिखा है। अबे कुछ लिखा ही तो ना है। लिखा है जैसा चल लिया है वैसा चलने दो, भविष्य में सुधार के कोई चांस ना है, ये लिखा है। क्या चल रहा भाई लौंडो तुम्हारा आपस? अरे डॉक्टर साहब को चल ही तो नहीं रहा है। और ना भविष्य में चलेगो। ऐसा कौन कह रहा है? हम ना कह रहे, जो अखबार कह रही है मां साहब। अबे ऐसा अखबार में क्या लिखा है लांडो? जो अखबार में यही लिखो है कि हमारा भविष्य हमेशा अंधकार में रहेगा। अबे तो अखबार में देखने की क्या जरूरत है लांडो? तुम दोनों का और उस नले विभूतिये का भविष्य तो तुम दोनों के माथे पे लिखा हुआ है कि तुम दोनों लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये क्या बकवास कर रहा है बे? तो तू हमारी बराबरी इन दो कौड़ी के लौंडों से कर रहा है? इनसे हमारी बराबरी? अबे ओ विभूति, तुझ में और इन दो कौड़ी के लौंडों में फर्क ही क्या है? अरे बहुत फर्क है बे। हमारी एजुकेशन देख, स्टेटस देख, हमारा क्लास देख, हमारी फैमिली देख, हमारा DNA देख, हमारी ऑरा देख। अबे ये कहाँ टिकेंगे हमारे सामने? कोई बराबरी नहीं हमारी। चल ठीक है। दूसरी बात ये कि जहां तक भविष्य का सवाल है तो मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं बहुत नाम कमाऊंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। आज तक एक फटो कच्चो भी ना कमाओ। नहीं कमाया ना अब तक, लेकिन अब कमाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। अबे साले तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तेरी बात है डॉक्टर नवग्रह गांगुली की भविष्यवाणी की तरह सच हो जाएगी। ये गांगुली साहब कौन है? अबे ओ तुम लोग डॉक्टर नवग्रह गांगुली को नहीं जानते हो ना? नहीं। वो आज की तारीख में वर्ल्ड का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर है। हाँ, सबसे पहले उसी ने कोरोना काल की भविष्यवाणी की थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने कहा था एक ऐसा वायरस आएगा जो सबके नाक में दम कर देगा, और देखो वही हुआ। अरे आप वो नवग्रह गांगुली, वो जो भविष्य वक्ता, उसकी बात कर रहे हैं? उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। अरे हाँ, उन्होंने तो भविष्यवाणी की थी, वो अमेरिका के ट्विन टावर्स है ना, उनके बारे में कि दो वो लोहे की चिड़िया उनसे टकराएंगी। लेकिन तिवारी सेठ, ये तो गलत भविष्यवाणी है ना, उन टावरों से झाड़ टकराया था, कोई चिड़िया थोड़ी ना टकराई थी। इन लौंडों से तुम मेरा कंपैरिजन कर रहा था, मेरी बराबरी कर रहा था इन लौंडों से? तू अपनी छोड़ साले, ये जो डॉक्टर नवग्रह गांगुली है ना, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। हाँ। अरे अच्छे दोस्त है तो बुलाओ ना मोहल्ले में। हाँ, क्यों नहीं, मैं उनको इस मोहल्ले में जरूर बुलाऊंगा, और सबसे पहले इस नल्ले विभूति की कुंडली दिखाऊंगा।
और बाद में इन दोनों लौंडों की जो चटर पटर करते रहते हैं ना, इनकी भी कुंडली दिखाऊंगा। फिर उनसे पूछूंगा क्या कहती है इनकी कुंडली। अरे भैया, जब बुला रहे तो सबकी कुंडली दिखाइए, हम सबका फायदा होना चाहिए। सही कह रहे हैं मास्टर साहब, जरा बुलाइए अपने डॉक्टर नवग्रह गांगुली को। देखें हम भी कितने बड़े धुरंधर हैं, और दूसरी बात यह कि ये मालूम पड़ेगा कि हमारे बारे में क्या बोलते हैं। अरे सक्सेना जी, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अपने तो हमें डरा ही दिया, हमको लगा सचमुच का बंदर आ गया। अबे कौन सा पागलपन घुस गया आपके शरीर में? दीवाना है, दीवाना कुछ भी कर सकता है ये। मेरे अंदर ना तो देसी बंदरों वाली फीलिंग आ रही है, तो मैं बंदर बन गया। खाना लग चुका है, मैडम का पता नहीं कब उतरेंगी ऊपर से। हम तो खा रहे हैं भैया, आओ आओ ना। मैं ना तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं हूँ, अपना खाना टाइम पे खाती हूँ। वैसे तुम कहाँ थे सुबह से? अरे याद आया। क्या याद आया? तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी में कोई इंटरेस्ट है? हाँ, एस्ट्रोलॉजी तो हमेशा से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तुम तो ये सब चीजों को अंधविश्वास मानती हो ना? नहीं, मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में ऐसा कभी नहीं कहा। इनफैक्ट ये तो साइंस है, वो तो पंडित रामफल जैसे लोग हैं जो इसे एक मजाक बना के रखते हैं बदनाम करके। अरे पंडित रामफल जाए गुहिया के खेत में, इतना बड़ा ढकोसलेबाज आदमी। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, बहुत बड़ा। शायद तुम भी जानते हो किसके बारे में। तुम कहीं एनजी गांगुली की बात तो नहीं कर रहे? यस, डॉक्टर नवग्रह गांगुली की बात कर रहा हूँ। तुम उन्हें कैसे जानते हो? वो अपना प्रेम चौधरी है ना, उसके कॉन्टेक्ट में है वो। इतना बड़ा आदमी और प्रेम चौधरी के कॉन्टेक्ट में, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। प्रेम चौधरी कोई छोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, बड़े बड़े कॉन्टेक्ट में है उसके। हाँ, वो मुझे नहीं पता कि कितने बड़े बड़े कॉन्टेक्ट है, बट एनजी गांगुली तो बहुत बड़ा नाम है पूरे वर्ल्ड में। आई नो, बल्कि उनको तो एस्ट्रोलॉजी का मास्टर कहा जाता है। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट भी उन्हें अपनी कुंडली दिखा चुके हैं। ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, अलीगढ़, आगरा, डेल्टा पिरामिड, सारी यूनिवर्सिटीज से उनकी लिखी हुई बुक्स पढ़ाई जाती हैं। एक उन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी थी जो मैंने भी पढ़ी थी, चंदा मामा। उन्होंने उस बुक में एस्ट्रोलॉजी के जरिए पूरे चंद्रमा की परिक्रमा करवा दी थी, वो भी बिना चांद पे गए हुए। यस, एक और फेमस बुक है उनकी, मंगल सिंह झुकेगा नहीं, जिसमें उन्होंने मंगल के बारे में पूरी जानकारी दी थी। इतना जानते हो तो ये भी सोचो ना कि इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी शख्सियत तुम्हारे प्रेम चौधरी के कॉन्टेक्ट में कैसे रह सकता है? डाली, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो उनके कॉन्टेक्ट में है और प्रेम चौधरी ने उन्हें अपनी कुंडली भी दिखाई है। अगर ऐसा है तो एक सेशन रखवाओ ना हमारे घर पे भी, बुलाओ सब लोगों को, देखे तब मैं मानू, क्या बोलते हो? जी खाऊंगी। प्रेम चौधरी के रे? ये बोलिए पंडित जी। ए प्रेम चौधरी, ये तुम क्या खा के कुंडली बनवाया है? ये बहुत बेढंगा कुंडली है। बेढंगा? तुम बचपन में कचरा का डब्बा में मिला था। या ही लुक्स लाइक वन। तुमको पाल पोष के एक भालो मानुष पाल पोष के बड़ा किया, तुम बड़ा होके उसका जायदाद पे कब्जा कर लिया। जोरावर चौधरी सब कुछ तुम्हारे नाम करना चाहता था, लेकिन तुम उस भालो मानुष का छाती में भाला घुसेड़ दिया। बड़ा गंदा काम किया प्रेम भाई आपने। अब यूनिवर्स तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। तुमको एक ठो बीबी भेजा है, उसके अंदर चुड़ैल को सिलाई करके डाल के भेजा है। धीरे धीरे वो तुमको निगल लेगी। सुन,
बड़ो कमीनो आदमी है भेड़ियो। सही कह रहा यार। आप सुनो, तुमको उसका प्रकोप से बचना है तो जो बदतमीजी करते हो उसको डबल कर दो। कोई प्रॉब्लम नहीं, बदतमीज तो हो जाएगा और डबल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टिका टिल्लू के रे, ये रे उड़ी बाबा, ये क्या कुंडली लेके आया तुम लोग? इतना बाहियात, इतना जघन्य, ऐसा कुंडली हमने नहीं देखा है। छी 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 छी, हिश 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 हिश। ऐसी क्या बात है हमारी कुंडली में आचार्य जी? ऐसा तो कोई बात ही नहीं है तुम्हारा कुंडली में। तुम दोनों हैंगला मानुष है, लालची मानुष है। ये जो शहर में लारकिया घूमता है, हैं? मेरा घूमता है, तुम उनको छेड़ता है, छेड़ छेड़ के पूरा शहर को शॉक देता है। हम तुमको बताता है, तुम दोनों बेगुन है, बेगुन। तुम पोड़ा बेगुन है और तुम ढीला बेगुन है। क्या बोल रहे हैं? बैंगन। और टीका टिल्लू भैया को बैंगन बोल रहे हैं। तुम दोनों का मुंह में झूठ ऐसा भरा है जैसे गाल में पान। आठू मैं धिक्कार है लौंडो तुम पर। पंडित जी ने रत्ती भर भी तारीफ नहीं की तुम्हारी कुंडली में। दोनों लौंडे एब्सोल्युटली करेक्टलेस हैं। हां बिल्कुल, एक नंबर एक क्या है। अभी हम इसकी तमिखा नहीं देते और ना कभी देंगे लालू की बात करने के लिए। था चोर, चुप रहे, मत बाजार बनिए रखे ठिकाने। कोई एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेगा। सबका कुंडली में ग्रह दोष है, सबका कुंडली में गड़बड़ है। इन लड़कों का कुंडली में कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। आचार्य जी, कौन सी बड़ी बात है जरा बताएंगे? तुम दोनों का जो मौत है ना मौत, उसका संबंध रशिया से है। हैं? मतलब हम किसी रशियन लड़की की गोद में जाके मरेंगे? रशियन कथा कुर्ची नामी, रशियन का बात नहीं करता है, रशिया देश का बात करता है। तुम्हारा मौत का संबंध रशिया देश से है। तो क्या हम रशिया में जाके टैब बोल जाएंगे? ना 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 ना, रशिया में एक तो फेमस बिजनेसमैन है, चेरोस्की। चुस्की? चेरोस्की। वो चेरोस्की मरेगा, उसका मरने के बाद 10 मिनट बाद तुम दोनों मरेगा। नहीं हम दोनों टैब बोलेंगे। अब ऐसा कब होगा अब आचार्य जी? देखो हम समय नहीं बता सकता है, हमारा गुरुजी ने हमको मना किया है। नेक्स्ट मास्टर भूप सिंह के रे, वाह, तुम्हारा बाकी लाइफ तो ऐसा ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कुछ ग्रह है जो आपका जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। वो कैसे? वो ऐसे तुम्हारा बीबी है, बीबी तुमको तुम्हारा साली के साथ रंगीन काज करते करते रंगीन हाथों पकड़ेगा। एकदम नहीं है। रे डॉक्टर गुप्ता के रे, उड़ी बाबा, ए बाबा, ये तुम्हार कुंडली भी बहुत अजीब गरीब लिखा है। आचार्य जी मैं कुछ समझा नहीं। तुम बाकी लोगों के लिए तो डॉक्टर है, लेकिन खाल के अंदर तांत्रिक बैठा है। आचार्य जी इसमें कौन सी नई बात है? ये बात तो जग जाहिर है कि मैं डॉक्टर कम तांत्रिक हूँ। अरे आचार्य जी कुछ अलग बात बताइए। ये जो तुम ये सब आजे बाजे गंडगोल बाहियात हरकत करता है, इसको बंद करो, नहीं तो तुम बहुत जल्दी अपना नर्स का बच्चा का पापा बनेगा। अरे ए बाटला, तुम समझो, तुम्हारा जो नर्स है वो तुम्हारा मोहब्बत का फायदा उठा के तुम्हारा क्लिनिक पे कब्जा करना चाहता है। तो बचाओ ना अपना क्लिनिक को और खुद को भी। ओहो टीका, आज मैं समझा डॉक्टर साहब का क्लिनिक 24 घंटे क्यों खुला रहता है। ओ, नहीं नहीं सही कह रहा तू। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ए डेविड मिश्रा के रे, के रे। अरे हाँ हाँ ये रे, ठीक है ना। हाँ, हम आचार्य जी, मैं हूँ ठाकुर की बानी अच्छे।
कुमड़ो माथा छगले चूल। चूल में चूल क्या मतलब? कद्दू का सर पे बाकरा का बाल। सही पकड़े हैं। अरे यार चुप रहो ना तुम। सही है चाचा जी। आचार्य जी आप इतना क्यों हंस रहे हैं? तुम्हारा कुंडली देख के हंस रहा है। ईश्वर ने बहुत मजाक किया है तुम्हारा कुंडली के साथ। आचार्य जी कहीं अकेले में बाहर चल के बात कर ले। अकेले में काहे, सबके सामने पोल पट्टी खुलने दो। अरे चाच आप तो खुली किताब हैं, यार एन ओपन बुक, सबको पढ़ने दीजिए ना। बोलिए। अच्छा चल, अगर ठीक है आचार्य जी बताइए, चलिए खुल के बता दीजिए। तुम दो तो शादी किया है? हुई 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 हुई। आइडिया? व्हाट? चाचा जी ने दो दो शादी दो की? दो शादी की? यार ये डोकर तो बड़ा अय्यास निकलो। दो 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 शादी हमारी एक भी नहीं। संस्कार नाम का चीज ही नहीं।